हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग सो वेल। सो गाइज, एज यू ऑलरेडी नो, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट टिप टू टो सेल्फ ग्रूमिंग काइंड ऑफ वीडियो। सो विदाउट एक्सटेंडिंग द इंट्रो पार्ट, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो एज यू डिसाइडेड टिप टू टो, सो लेट्स स्टार्ट विद द टिप पार्ट। टिप मीन्स हेयर। सो फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड विच टाइप ऑफ हेयर स्टाइल रियली फ्लैटर्स योर फेस और लुक गुड ऑन यू। फॉर एग्जाम्पल, on my face middle partition really flatters my face, like middle partition looks very good as compared to side partition or no partition. If I do no partition तो मेरा ये part जो है काफ़ी ज़्यादा broad है और no partition में और ज़्यादा broad लगने लगता है, तो it's not really look good on me. So you have to do so many experiment with the hair style, then आप figure out कर पाओगे कि आपके face पर क्या suit करता है, side partition, no partition, middle partition, ये कौन किस type का hair style आपके face पर flatter कर सकता है। तो firstly do experiment with your hair style and then you will automatically figure out कि आपके face पर क्या suit करता है, because मैं आपको देख नहीं रही हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकती कि आपके face पर ये suit करता है, वो suit करता है, या किसी के कहने पर आना भी नहीं चाहिए। आप खुद figure out करो, different different hair style try करो, and then आप खुद ही figure out कर पाओगे कि आपके face पर ये बहुत ज़्यादा suit करता है या ये partition काफ़ी suit करता है। Talk about some makeup stuff. Firstly, let me clear you, makeup is not a crime. It just elevate your facial features. That's it. I don't know why people talk shit about makeup and all. बस आपको proper utilization of makeup आना चाहिए कि आप day time में कैसा makeup कर रहे हो, आप night time में कैसा makeup कर रहे हो, आपके face पे कौन सा blush shoot कर रहा है, कौन सा lipstick shoot कर रहा है, अगर आप college में dark red liquid lipstick लगा के जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली बैड इंप्रेशन ही क्रिएट करेगा। आप न्यूड लिपस्टिक लगा सकते हो, ब्राउन शेड में, पिंक शेड में। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद अप्लाई करके फिगर आउट करनी पड़ेगी कि आपके फेस पे किस टाइप, कौन सा शेड ऑफ लिपस्टिक अच्छा लग रहा है, कौन सा शेड ऑफ ब्लश अच्छा लग रहा है। और आपको बस प्रॉपर यूटिलाइज करना आना चाहिए मेकअप को। फॉर एग्जाम्पल, आप आईब्रोज फिल करके देखो कि आपके फेस पे आईब्रोज फिल करने से कितना फेस अपलिफ्टेड लगता है, आप स्क्रीन पे डिफरेंस देख सकते हो। ब्लश, लिपस्टिक आपके फेस पे थोड़ा बहुत कलर ऐड ऑन करते हैं, जिससे आपका फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग लगता है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रूमिंग, और कुछ भी नहीं है। मेकअप ऐसा कोई क्राइम नहीं है मेकअप करना। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बस डू इन अ प्रॉपर वे। And for taking up your look to the next level, you simply have to add some jewelries like earring, ring, neck pieces, crunchy and all. Like इसके साथ hoops भी जा सकते हैं, like appropriate jewelries. अभी इस look के साथ minimal jewelry जा रही है, किसी look के साथ heavy jewelry जाती है, तो you have to decide. एंड ये सारी चीज़ें गाइस मैं बार बार बोल रही हूँ, आप जब तक अपने साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि आपके ऊपर क्या चीज़ें सूट कर रही है, क्या चीज़ें सूट नहीं कर रही है। बिकॉज अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, देन आप उसमें खुद ही चेंजेस देख सकते हो कि पहले मैं कैसी लग रही थी। एंड चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते करते मैंने खुद के लिए अप्रोप्रिएट चीज़ें फाइंड आउट करी कि मुझे मिडिल पार्टीशन अच्छा लगता है, इस ड्रेस के साथ ये ज्वेलरी जाती है, ड्रेसिंग अप स्टाइल, मेकअप, सारी चीज़ें आपको खुद धीरे धीरे आ जाएगी, बट यू ओनली हैव टू डू एक्सपेरिमेंट एंड वर्क ऑन इट। टॉक अबाउट सम क्लोथिंग स्टफ। सो हियर आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ मी एंड माय यंगर सिस्टर। तो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट माय सेल्फ। सो आई रियली लव टू वेयर ड्रेसेस, क्रॉप टॉप, स्कर्ट, वन पीसेज, एंड रियली आई रियली बिलीव इट्स फ्लैटर्स माई बॉडी सो वेल। नॉट ओनली ड्रेसेज एंड ऑल, कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, ये सारी ड्रेसेज मेरी बॉडी पे काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी मेरी बॉडी को फ्लैटर करती है। आई विल इंसर्ट सम क्लिप ऑन द स्क्रीन सो यू कैन ऑल्सो सी। आई रियली डोंट लाइक क्रॉप टी शर्ट एंड जॉगर्स, क्रॉप टी शर्ट एंड जीन्स। आई रियली फील कि मेरे पे वो सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, मेरी बॉडी शेप पे वो सारी चीज़ें नहीं जाती है, बट आई स्टिल लाइक फ्लेयर्ड जीन्स एज कम्पेयर टू दैट स्किनी जीन्स। आई हेट स्किनी जीन्स, तो फ्लेयर्ड जीन्स के साथ फिर भी कुछ कुछ क्रॉप टॉप्स, ये सारी चीज़ें चली जाती है, बट ऐसे लेकिन क्रॉप टॉप, जॉगर्स, आई हेट क्रॉप टॉप एंड जॉगर्स, मेरे पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई यंगर सिस्टर, तो उस पर क्रॉप टॉप, जॉगर्स, उस पर ड्रेसेस, वो उसको ड्रेसेस पसंद ही नहीं है, उसने ट्राई ऑन भी नहीं किया, बट वो अपनी बॉडी पे क्रॉप टॉप और जॉगर्स काफ़ी ब्यूटिफुली कैरी करती है। तो ये एग्जाम्पल लेने का बेसिकली मतलब ये था कि आपको अपनी बॉडी टाइप पहचाननी होगी कि आप पे क्या अच्छा लगता है, आप क्या पहन के यू फील वेरी कम्फर्टेबल, यू फील सो प्रिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंट करके देखनी होगी कि लाइक आप ड्रेसेस पहन के ट्राई, आप सब कुछ ट्राई करो, एंड देन यू विल फिगर आउट कि आप पे आपको क्या कंफर्टेबल लगता है और आप क्या फील पहन के प्रिटी फील करते हो। सो या दैट्स इट। ग्रूमिंग इज नॉट ऑल अबाउट लुकिंग गुड, बट इट्स ऑल्सो कवर और कंसिडर
पर्सनल हाइजीन, सो टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, क्लीन योर 5 सेंस ऑर्गन्स, डू योर प्रॉपर स्किन केयर, हेयर केयर, उस पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड कर रखी है. सो इफ यू वॉन्ट टू वॉच दोज वीडियो देन आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो. कुछ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. शॉर्ट वीडियोज भी है अगर आपको लेंदी वीडियो देखने का मन नहीं है. तो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. सो आई होप गाइस यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन व्हाट यू हैव टू डू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन कीप वॉचिंग, टेक केयर.